नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना को समर्पित नवरात्रे वर्ष में दो बार आते हैं। इस बार जो चैत्र नवरात्रे हैं वो आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं 25 मार्च बुधवार के दिन, और ये नवमी तक रहेंगे। 2 अप्रैल को नवमी तिथि होगी और 3 अप्रैल को दशमी के साथ नवरात्रे का पारण होगा। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में ऐसी कौन सी चीज़ आप अपने घर लेकर आएं जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर धन की वर्षा करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कमल का फूल। इन नवरात्रों में अगर आप किसी भी दिन कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी पर चढ़ाएंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। इससे धन संबंधित जो दिक्कतें लाइफ में आती हैं वो दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी को जैसे बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कमल का फूल, उन्हें ये फूल चढ़ाने से धन संबंधित दिक्कतें ख़त्म होती हैं। दूसरी चीज़ जो कि आप पहले भी ला सकते हैं और नवरात्रों में भी कभी भी ला सकते हैं, कोशिश करें कि पहले ही ले आएं और जब पूजा करें, जब आप अपने खेतरी बीजें चांदी या फिर सोने का सिक्का अगर घर पर है तो आप उसे भी गंगा जल से शुद्ध करके पूजा में थाली में रख दीजिए और पूरे नवरात्रे उसे वहीं पर उसकी पूजा कीजिए और बाद में उसको अपने गले में रखिए। इससे आपके काम में बरकत कभी नहीं कम होगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जो अगली चीज़ बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं या फिर धन आता है तो आपके पास नहीं रुकता, तो इस चीज़ को ज़रूर घर लाएं, वो है पीली कौड़ियाँ। पीली कौड़ियाँ लाकर लाल कपड़े में बांध लीजिए और अपने पूजा स्थान में नवरात्रे से पहले ले आएंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं ला पाएँ तो नवरात्रों में भी ला सकते हैं। इसे लाकर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और नवमी या फिर अष्टमी जो भी आप पूछते हैं उस दिन पूछ कर इसे अपने गले में रख दीजिए। इससे आपको पैसे में कभी कमी नहीं आएगी, आपका काम भी अच्छा चलने लगेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लाल कपड़े में बांधकर इसे पूजा में रखिए और फिर अष्टमी या नवमी के दिन अपने गले में रख दीजिए। अगली चीज़ है माँ लक्ष्मी का एक ऐसा चित्र जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों। ये चित्र अपने घर लेकर आएँ, ये चित्र आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसकी पूजा कीजिए नवरात्रों में और ऐसा करने से हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में खुशहाली आती है। आप भी इनमें से कोई भी चीज़ घर लाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम कोई भी हो, शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं बच रहे, आर्थिक तंगी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, सभी दिक्कतें कुंडली के ग्रह नीच होने पर होती है। अगर कुंडली दिखाकर उपाय किए जाएं तो सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, जन्म समय नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। नीचे दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। कुंडली रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय माता दी।